सो हाई गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं चार्ट टेक्स यूट्यूब चैनल। सो कुछ टाइम पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उसे स्ट्रीम लैब्स OBS के ऊपर एक ट्यूटोरियल चाहिए जिससे वो स्ट्रीम कर सके। तो जिन्हें नहीं पता मैं बता दूँ, स्ट्रीम लैब्स OBS एक काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है जो आपके यूट्यूब या ट्विच वगैरह पर स्ट्रीम करने में हेल्प करता है। तो ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो अच्छे स्ट्रीमर्स वगैरह वो इसी को यूज़ करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे इसका सेटिंग्स करनी है। अगर आप पे एक अच्छा PC नहीं है, माना आप पे एक लो एंड डिवाइस है या आप पे एक सस्ता सा ग्राफिक्स कार्ड, कोई ज़्यादा अच्छा ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो आप आराम से कैसे स्ट्रीम कर सकते हैं अच्छे FPS पे। माना आपको 30 FPS स्ट्रीम करना है या 60 FPS पे। तो शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। तो गाइस, अब हम आ गए अपने PC स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं ये मेरा वही वाला PC है जो मैंने 8000 वाले PC बिल्ड में यूज़ किया था, जिसे मैंने एक GTX 750 Ti और एक इंटेल को कोर 2 क्वाड Q9500 लगाया था। तो हम इसी की मदद से आज करने वाले हैं स्ट्रीम। तो सबसे पहले मैंने इसमें ज़्यादा कुछ डाला नहीं है, बस थोड़े से गेम्स इंस्टॉल्ड हैं और मैंने इसमें बस स्ट्रीम लैब्स OBS डाला हुआ है, क्योंकि आपका इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ है और उसके बिना आप स्ट्रीम नहीं कर पाओगे। तो आप देख सकते हैं मेरा स्ट्रीम लैब्स OBS ओपन हो चुका है। आप इसे खोलोगे तो आप इससे पहले आपसे पूछेगा लॉगिन डिटेल्स, तो आप लॉगिन करना चाहो तो लॉगिन कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। मैंने इस टाइम स्किप किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है, आपको स्टार्टिंग में, आपको मैं बताऊँ, आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में, क्योंकि सेटिंग्स ही मेन होता है इसके लिए। तो सबसे पहले आप जाओगे सेटिंग्स पे, फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्ट्रीम। स्ट्रीम में आपको यहाँ पे कर देना है YouTube/YouTube Gaming अगर आपको YouTube पे करना है, और आपको Twitch पे करना है तो आप यहाँ पर सिंपली Twitch सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ का हो चुका है काम खत्म। अब जाना है आपको नीचे आउटपुट पे। अब आउटपुट पर आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये रहेगा सिंपल पे, आपको इसे कम क्लिक कर देना और कर लेना एडवांस पे, फिर आपका दिख जाएगा थोड़ा नीचे। तो आपको यहाँ पे पूछेगा सबसे पहले इनकोडर, इनकोडर में आपको कर देना हार्डवेक एनवेक। मैं आपको बताऊँ ये दोनों क्या चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर X264 का मतलब है कि आपके ये प्रोसेसर की पावर यूज़ करेगा स्ट्रीम रिकॉर्डिंग करने के लिए, और हार्डवेक एनवेक का मतलब ये आपके ग्राफिक कार्ड की पावर यूज़ करेगा वीडियो को प्रोसेस करने के लिए। तो मेरी मानो तो अगर आप पे कोई ग्राफिक कार्ड PC में लगा हुआ है तो आप हार्डवेक एनवेक चूज़ करो, या अगर आपके PC में कोई ग्राफिक कार्ड नहीं लगा तो आप X264 ही यूज़ करो। तो मेरे केस में मेरे पास है GTX 750 Ti, तो मैंने लगाया हुआ हार्डवेक एनवेक पे क्लिक कर दे रहा हूँ मैं। तो अब नीचे जाने के बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे बिटरेट। आपको बिटरेट कैसे कैलकुलेट करना है मैं बता रहा हूँ। जितनी भी आपकी अपलोडिंग स्पीड होगी उसे आपको x1000 कर देना है, उससे आपको जो बिटरेट की वैल्यू आएगी वो आपको इसमें डाल देनी है। जैसे मेरी आती है 5 Mbps अपलोड, तो मैं इसको x1000 करके, यहाँ पे वैल्यू आ रही है मेरी 5000, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया बिटरेट में 5000। नीचे का आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, सबको बिल्कुल सेम रहने देना है। फिर आपको आना है रिकॉर्डिंग के। अगर आपको सिंपली यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है, बस आपको यहाँ पे फॉर्मेट को MP4 कर देना है सबसे पहले। और आपको जैसे रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, आपको पता था यहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एनवेक लिखा हो तो आपको हार्डवेयर पे कर देना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ग्राफिक कार्ड है। यहाँ पे आपका केस थोड़ा अलग है, यहाँ पे आप बिटरेट को थोड़ा बढ़ा सकते हो क्वालिटी और इम्प्रूव करने के लिए। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आपको वहाँ पे 10,000 से लेके 15,000 के बीच में कोई भी बिटरेट चूज़ कर लो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। नीचे का आप ही कुछ भी मत छेड़िए। फिर आपको आ जाना है नीचे यहाँ पे वीडियो, वीडियो आपको यहाँ पे लेफ्ट में दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे वीडियो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है बेस कैनवास रिजोल्यूशन और आउटपुट स्केल रिजोल्यूशन। तो आपको मैं बताऊँगा ये दोनों चीज़ें क्या काम करती हैं। सबसे पहले जो बेस कैनवास रिजोल्यूशन है, इसका मतलब जोन से भी आप रिजोल्यूशन पे किसी गेम को खेल रहे हो और उसे आपको रिकॉर्ड करना है, तो आप यहाँ पर आप वो वाला रिजोल्यूशन डाल दो। मतलब आप किसी गेम को 1920 या 1080p पे खेल रहे हो तो आपको यहाँ पे ये वाला रिजोल्यूशन डाल लेना है उस गेम को रिकॉर्ड करने के लिए। और आपको अगर सिंपली अपने डेस्कटॉप का रिजोल्यूशन रिकॉर्ड करना है, मतलब आपको कोई क्रोम वगैरह रिकॉर्ड करना है, तो आप सिंपली जो भी आपके PC का रिजोल्यूशन है उसको यहाँ पे डाल देना है। तो मेरे PC का रिजोल्यूशन 1360x768 है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और आउटपुट में आप कुछ भी डाल सकते हो, मानो आपको 720p डालना था वो डाल सकते हो, 1080p पर आउटपुट देना था वो डाल सकते हो, ये आपके ऊपर से करते हैं कि आपको कितनी वैल्यू पे करना है। और आपको फिर यहाँ पे डाउन स्केल फिल्टर आपको यहाँ पे कर देना बाइक्यूबिक, ये सबसे बेस्ट रहता है, इसमें क्वालिटी भी ज़्यादा गिरती नहीं है, आपकी स्ट्रीम भी ज़्यादा लैग नहीं होगी। फिर आपको नीचे आ जाना है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉमन FPS वैल्यू, तो आपको नीचे जाना है, इस पर आपको कर देना है, ये सबसे ज़्यादा मेन है। अगर आपका PC ज़्यादा हाई एंड नहीं है, आपके में रैम कम है और थोड़ा प्रोसेसर बेकार है, तो आप 30 FPS पे ही चूज़ करो। और अगर आपको थोड़ा अच्छा है तो आप यहाँ पे 60 FPS भी चूज़ कर सकते हो। मेरा ये PC इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो मैं 30 FPS पे जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा गेम में थोड़ा ड्रॉप आएगा FPS का और स्ट्रीम भी थोड़ी अटक अटक के चलेगी, तो आप कर देते हैं 30 FPS। तो आपका सेटिंग्स का काम हो चुका है सारा खत्म। अब आपको मैं बताऊँगा यहाँ पे कैसे आपको सब कुछ करना है। तो गाइस, अब हम आ गए अपने स्ट्रीम लैब्स OBS के बिल्कुल मेन चीज़ पे,
जहाँ पे आपको करना है अपने इनपुट वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक स्क्रीन क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो के नाम से किया हुआ है। ये कैसे करना है आपको, बस यहाँ पर प्लस का निशान दबाना और यहाँ पे अपना ऐड न्यू सीन में कर देना है डन। तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है पहले से क्रिएट वीडियो के नाम से एक सीन। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सारे इसके सोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे करना है प्लस एक सोर्स ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे इमेज के लिए अगर आपको स्ट्रीम पे आपको अपनी फ़ोटो दिखानी है, माना आपको स्ट्रीम करनी है बट आपको फेस कैम नहीं करना, आपको यहाँ पे अपना लोगो लगाना है, तो आप इस इमेज का यूज़ करके अपना एक लोगो लगा सकते हो स्ट्रीम के ऊपर। फिर नीचे आपको मैं और बता दूँ, यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले कैप्चर, गेम कैप्चर, ये आप सबको समझ आ ही रहा होगा। डिस्प्ले कैप्चर माने आपको अपना विंडोज़ की दबाओगे तो जो भी आपके इसमें डिस्प्ले पे दिख रहा होगा वो सब कुछ कैप्चर हो जाएगा। बट गेम कैप्चर में ऐसा नहीं है, अगर आप गेम कैप्चर यूज़ कर रहे हो तो माने आपने विंडोज़ की दबा दी तो आपकी प्राइवेसी पे कोई इशू नहीं आएगा, आपका गेम वहीं पॉज हो जाएगा, स्ट्रीम में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपके पीसी के पीछे का। तो यहाँ पे हमें करना है गेम कैप्चर, क्योंकि हम एक गेम को कैप्चर करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया ऐड सोर्स, गेम कैप्चर में कर देंगे ऐड सोर्स। फिर आपको दिखाई देगा लुकिंग फॉर अ गेम टू कैप्चर। तो अगर आप इसे ऑटो पर रखना चाहो ऑटो पर भी रख सकते हो, बट मेरी मानो तो आप यहाँ पे रखो कैप्चर एनी स्पेसिफिक विंडो। कैप्चर स्पेसिफिक विंडो पे करने के बाद आप कर देना डन। अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैंने कोई गेम रन करा नहीं हुआ है। तो गाइस अब आगे अपनी OBS स्ट्रीमलैब्स OBS की मेन स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमने अभी बनाया था एक गेम कैप्चर के नाम से सोर्स, तो हम सोर्स में करेंगे इनपुट ऐड। जैसे मैंने पीछे गेम चलाया हुआ है फॉल गाइस, तो मैं इसी को कर लूँगा इसमें ऐड रिकॉर्ड करने के लिए। तो सिंपली कर लेंगे इस पे डबल क्लिक, फिर आपको दिख जाएगा मोड में कैप्चर स्पेसिफिक विंडो जो हमने पहले किया था। फिर यहाँ विंडो पे आएगा आपका सेलेक्ट ऑप्शन, तो आपको विंडो पे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है फॉल गाइस क्लाइंट, क्योंकि फॉल गाइस मैंने गेम इस टाइम ऑन किया हुआ है। तो मैं करूँगा डन, तो आपको यहाँ पे एकदम इनपुट आ जाएगा। आप जैसे देखेंगे आपका गेम आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, तो इसे कर लेते हैं डन, आपका गेम आ गया यहाँ पे। और आप इसे कर दो यहाँ से लॉक, तो इससे आप इसे यहाँ हिलाओगे तो कुछ होगा नहीं, पर अगर आप इसे अनलॉक रखोगे तो आपको थोड़ा, अगर आप ऐसे करोगे तो आपका रिजोल्यूशन बिगड़ सकता है। तो इसको बिगाड़ने के लिए ना आप यहाँ पर लॉक ही रखें, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। और अगर आपको इसके ऊपर कोई फोटो वगैरह ऐड करनी है, जैसे मैं इमेज से यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने ऐड सोर्स करा, कोई भी अपने पीसी में से एक इमेज अपलोड करके यहाँ पे लगा सकता हूँ इसमें। अगर आप इसके नीचे डाल देंगे तो इमेज दिखेगी नहीं, आपको जो इमेज है हमेशा गेम कैप्चर के ऊपर रखनी है जिससे आपकी इमेज स्क्रीन पे दिखाई दे। और यहाँ पे आपके डेस्कटॉप की माइक की और डेस्कटॉप की वॉइस है, माना आपको गेम की वॉइस कितनी रखनी है, माइक की वॉइस कितनी रखनी है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और सिंपली आपको करना है यहाँ पे क्लिक रिकॉर्डिंग पे, अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो और गो लाइव पे करोगे तो आपको यहाँ पे सिंपली हो जाएगा लाइव और आपकी स्ट्रीम हो जाएगी एक्टिव। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, घंटे के आइकन को जरूर दबाना। किसी को और भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में लिख सकता है और या इंस्टाग्राम पे मुझे कर सकता है मैसेज। तब तक के लिए बाय गाइस।